हे दोस्तों, टॉफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है साहिद और आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में जो पिछले कुछ दिनों में रिलीज हुई हैं। तो वो वेब सीरीज कौन कौन सी हैं, कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, तो सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए जानते हैं 5 बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में। तुम आत्माओं को देख सकते हो, तो क्या तुम मेरी माँ से भी बात कर सकते हो? तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, 13 मसूरी। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसकी कहानी मसूरी शहर से स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक सीरियल किलर आया है जो एक पुराने सीरियल किलर की तरह मर्डर कर रहा है। तो क्या ये वही सीरियल किलर है या फिर कोई दूसरा है? इसी सीरियल किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी ऋषि पंत नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। ऋषि की वाइफ अदिति पत्रकार है और वो ना चाहते हुए भी इस केस में शामिल हो जाती है। तो क्या ऋषि और अदिति इस सीरियल किलर को पकड़ पाते हैं और ये कौन सीरियल किलर है जो पुराने सीरियल किलर की तरह मर्डर कर रहा है, ये सब हमें इसी सीरीज में देखने को मिलता है। सीरीज ठीक ठाक है लेकिन उतनी कुछ खास नहीं है जितनी की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार तो देख ही सकते हैं। इस सीरीज के टोटल 13 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड 20 से 30 मिनट के हैं। ये सीरीज आपको वूट पर देखने को मिलेगी। नंबर 4, आउट ऑफ लव सीजन 2। 2019 में रिलीज हुई सुपरहिट सीरीज आउट ऑफ लव का दूसरा सीजन आ चुका है। ये एक फैमिली ड्रामा सीरीज है जिसकी कहानी मीरा के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपने आउट ऑफ लव का पहला सीजन देखा है तो दूसरे सीजन की कहानी वहीं से कंटिन्यू की गई है, जहां हम देखते हैं कि मीरा का हस्बैंड 3 साल के बाद वापस आ गया है। तो आखिर वो 3 साल के बाद वापस क्यों आया है, उसका मकसद क्या है और मीरा को इससे क्या क्या परेशानी होती है, यही सब हमें इस सीरीज में दिखाया गया है। काफी अच्छी सीरीज है, तो अगर आपने पहला सीजन देखा है तो दूसरे सीजन को बिल्कुल भी मिस ना करें। टोटल 5 एपिसोड हैं और ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलेगी। नंबर 3, काठमांडू कनेक्शन। काठमांडू कनेक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसकी कहानी डीसीपी समर्थ कौशिक के इर्द गिर्द घूमती है। डीसीपी समर्थ कौशिक 3 अलग अलग केस की तहकीकात कर रहे हैं जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं 1993 के मुंबई ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। इसी केस की जांच उन्हें काठमांडू लेके आ जाती है। अब यहाँ वो कैसे अपने इस केस की तहकीकात करते हैं और उनके साथ यहाँ पर क्या क्या होता है, यही हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। टोटल 6 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट के हैं। ये सीरीज सोनी लिव पर अवेलेबल है। नंबर 2, नवंबर स्टोरी। ये एक तमिल क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसे हिंदी में भी रिलीज किया गया था। इस सीरीज में तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं। तमन्ना भाटिया जिन्होंने अनुराधा का रोल प्ले किया है। अनुराधा के पिता गणेशन एक क्राइम में फंस जाते हैं। अनुराधा उन्हें इस क्राइम से बाहर निकालती है। तो इसी के इर्द गिर्द पूरे सीरीज की कहानी घूमती है कि कैसे अनुराधा अपने पिता को बचाती है और किसने उनके पिता को इस क्राइम में फंसाया है, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। सीरीज ज्यादा कुछ तो खास नहीं है लेकिन फिर भी एक बार तो देखने लायक है ही। ये सीरीज भी आपको हॉट स्टार पर देखने को मिलेगी जिसके टोटल 7 एपिसोड हैं। नंबर 1, द लास्ट हावर। Amazon Prime पर रिलीज हुई सुपरनेचुरल क्राइम थ्रिलर सीरीज द लास्ट हावर एक अच्छी सीरीज है जिसमें आपको कुछ नयापन देखने को मिलेगा। इस सीरीज की कहानी अरूप जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं और देव जिसके पास एक खास पावर है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। देव जिसके पास पावर है उसे कोई ढूंढ रहा है जो देव से उसके पावर छीनना चाहता है। वहीं टाउन में हो रहे क्राइम को अरूप और देव मिलके सॉल्व करते हैं। तो आखिर देव के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसे वो इंसान छीनना चाहता है, इसी के इर्द गिर्द इस सीरीज की कहानी घूमती है। टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि आपको Amazon Prime पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ अच्छी वेब सीरीज जो अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं। तो आपने कौन कौन सी सीरीज देखी है और कौन सी सीरीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।